ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। भगवती शक्ति की उपासना पर चर्चा कर रहे हैं हम। एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर जो सोचते हैं कई व्यक्ति कि हमने आज तक कभी कुछ किया नहीं और कुछ करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन। शुरुआत प्रारंभ में हमने श्री दुर्गा चालीसा की बात की। मूल रूप से शक्ति उपासना में जो चंडी पाठ की बात होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री दुर्गा सप्तशती। सप्तशती नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 700 वो श्लोक नहीं है, मंत्र हैं। 700 ही मंत्र हैं एक तरह से। ये 700 मंत्रों का जो संग्रह है यही श्री दुर्गा सप्तशती, इसी के पाठ होते हैं। इन 700 श्लोकों, 700 मंत्रों का जो पाठ एक बार पाठ होता है, इसी को एक चंडी पाठ कहा जाता है। इसके शतचंडी का अर्थ होता है इन 700 श्लोकों का 100 बार पाठ, वह शतचंडी कहता है। सहस्त्र चंडी सुना होगा आपने, तो इन 700 मंत्रों का 1000 बार पाठ वह सहस्त्र चंडी कहा जाता है। सहस्त्र चंडी चंडी का पाठ होता है, फिर उसके हवन आदि होते हैं। इनके कई क्रम हैं, इतना विशद, इतना विशाल है इनका स्तुति का नियम, कुछ सीमा ही नहीं, कोई सीमा नहीं, ग्रंथों की कोई सीमा नहीं। शास्त्री में शास्त्रों की बात करें, ग्रंथों की बात करें, वो तो विशद असंख्य हैं। फिर मंत्रों में तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, शाबरी मंत्र हैं, असंख्य मंत्र हैं। इसलिए आवश्यक नहीं, असंभव सा है कि सबकी जानकारी किसी एक ही व्यक्ति को हो। इसीलिए कहते हैं कि गुरु क्रम क्या है, जो गुरु ने आदेश दिया वो सर्वोपरि। इतने विधान मिलते हैं, इतने विशद के नियम हैं, कोई सीमा नहीं। इसलिए कई बार कहता हमने ये सुना, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये भ्रम उत्पन्न होता है अगर हम गुरु मार्ग से, गुरु ने जो कुछ कहा है उससे इतर जाएंगे तो। इसलिए होना क्या चाहिए, जो हमें मार्गदर्शन दिया गुरु ने कि ये करिए, बस वही सर्वोत्तम। क्यों? कारण ये है कि एक दूसरे से कहीं किसी से मिलान की संभावनाएं बहुत कम बनती हैं। इतने विवरण, इतने विषाद, इतना फर्क, इतने विधान कैसे संभव है। एक ये जो पाठ चंडी पाठ है श्री दुर्गा सप्तशती के, इसके ही कई विधान हैं, लेकिन प्रधान रूप से दो विधान प्रचलन में हैं। हम जिनने पाठ किया एक नियम से दुर्गा चालीसा का पाठ करके, वो चाहते हैं हमें आगे बढ़ना है, तो उनकी जानकारी हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो इसके पाठ में इनमें दो क्रम प्रधान रूप से प्रचलित, वैसे तो कई क्रम कई विधान हैं, लेकिन जो प्रधान रूप से दो क्रम हैं वो क्या है। सामान्य रूप से आसन पर बैठ के गुरु स्मरण, करण स्मरण आदि जो करते हैं, संकल्प आदि करने के बाद सबसे पहले अर्गला, दूसरे नंबर पर कीलक और तीसरे नंबर पर कवच। एक विधान तो यह है जो प्रचलन में है। दूसरा विधान, दूसरा विधान में क्या, पहले पहले कवच पाठ, उसके बाद फिर अर्गला और तीसरे नंबर पर फिर कीलक। यह प्रधान रूप से दो प्रकार के जो पाठ के क्रम है ये प्रचलन में है। इसके बाद फिर नवान मंत्र के एक माला का जप करना चाहिए, किया जाता है। उसके बाद फिर इन 700 मंत्रों का पाठ किया जाता है जो चंडी पाठ कहता है, ये श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ यही कहता है। ये एक पाठ, ये जितने पाठ करने का संकल्प हो उतने पाठ। उसके बाद फिर सिद्ध कुंज का, उसके बाद फिर वापस जिसको कहते हैं ना संपुट लगाना, वो फिर नवान मंत्र की माला का जप किया जाता है। जैसे संकल्प हो, एक माला का है, पांच माला का, तीन माला का, जैसा अनुष्ठान, जैसा संकल्प हो। उसके बाद फिर देवी सूक्त का पाठ, तंत्रोक्त देवी सूक्त का एक पाठ करना चाहिए। उसके बाद फिर देव्य अपराध क्षमापन स्त्रोत्र का पाठ करके श्री बटुक भैरव के, जो श्री बटुक भैरव के स्त्रोत्र का पाठ है, नामावली पाठ, मंत्र जाप जैसा विधान, ये करना चाहिए। ये सामान्य रूप से एक क्रम है। विशद बात करें हम, इतना विशाल, कोई सीमा नहीं,
शारदा तिलक ये तंत्र के ग्रंथ हैं जो उपलब्ध सामान्य रूप से जिनकी महत्ता जो जो भी थोड़ा गति रखते हैं वो पढ़ते हैं। शारदा तिलक के बाद रुद्रयामल का महत्व है, उसके बाद फिर मंत्र महोदधि का अपना महत्व है, उसके बाद फिर मंत्र महार्णव ये एक मंत्र का महत्व है, उसके बाद फिर जो तंत्रों के ग्रंथ जो अनंत हैं कोई सीमा नहीं, लेकिन जो भी रुचि रखते हैं फिर वो पाठ करते हैं। शक्ति संगम तंत्र है, काली खंड सुंदरी खंड दो खंड है, कंकाल मालिनी तंत्र है, कई तंत्र असंख्य तंत्र ग्रंथ है, तंत्रों के ग्रंथों की असंख्य सीमा है, असंख्य कुछ सीमा ही नहीं, इसलिए हम उसमें न पढ़े। भगवती की जैसी कृपा होगी वैसा वैसा वो हमारे सामने कुछ लाती चली जाएंगी, होनी चाहिए उनकी कृपा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। हमने 40 साल की बात की, 40 साल से आगे चलते हैं, अब बात यह कि 40 साल से आगे क्या करें। क्रम वही, आसन पर बैठ करके जैसा हम आसन प्रणाम आदि करके बैठते हैं, वो करने के बाद गुरु स्मरण करने के बाद में गणेश जी का नमन, गणपति स्त्रोत्र का किसी भी तरह से पाठ करके फिर संकल्प सामान्य भाषा में कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ना शक्ति उपासना में भगवती मातेश्वरी की कृपा प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अभी आपको जो इतने ग्रंथों की चर्चा की, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, इतने विधान, इतने ग्रंथ, इतने सूत्र, तो बहुत संभव है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं, जो कुछ आपने सुना हो या जो कुछ किसी और ने बताया हो, मेरे बोले हुए में उसमें अंतर हो, भेद हो, ये बहुत संभव है। बहुत कुछ पुस्तकों में है लेकिन सब कुछ पुस्तकों में नहीं होता, तो मुझ पे मुझे जो कुछ गुरु कृपा से प्राप्त और जिसे मैं सबके सामने एक सोशल मीडिया में सार्वजनिक रूप से जिन सूत्रों की चर्चा कर सकता हूं, जो सबके लिए हितकारक हैं, जो सबके लिए करणीय संभव है, जिनसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, भगवती की सहज कृपा प्राप्ति जिससे होती है, ऐसे सूत्रों से मुझे हुई, आपको भी हो, मैं चाहता हूं जो भी आस्था रखे, आस्थावान हो, जो भी चाहता हो मुझे भगवती की कृपा प्राप्त हो, मैं कुछ करना चाहता हूं, ऐसे ही मुमुक्षु साधकों के लिए मैं आगे के क्रम की बात करता हूँ। तो आगे के क्रम में हम क्या करेंगे? फिर सबसे पहले हम ओम गांग गणपतये नमः, ओम शांग क्षेत्रपालाय नमः, ओम वांग बटुकाय नमः, ओम यांग योगिनीभ्यो नमः, उसके बाद फिर ओम आंग अश्विनी कुमारेभ्यो नमः। इस तरह से इन पांचों को नमन करने के बाद, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूँ कई वीडियो में, भगवती दुर्गा के पति हैं नीलकंठ महादेव, भगवान शिव का ही एक स्वरूप, वह उनके पति, ओम श्री नीलकंठ महादेवाय नमः, ओम श्री नीलकंठ शिवाय नमः, यह बोल करके भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप को नमन करना चाहिए। यह करने के बाद फिर हम पुस्तक में, यह जो ग्रंथ है हमारा श्री दुर्गा सप्तशती, इसमें पहले सबसे पहले सप्त श्लोक की दुर्गा है, 7 श्लोक हैं, वो 7 मंत्र हैं, एक तरह से 7 श्लोक नहीं 7 मंत्र हैं, वो 700 मंत्रों में से वो चुने हुए 7 मंत्र, 700 में से चुने हुए 7 मंत्र, इनके भी इस सप्त श्लोक की दुर्गा के भी कई विधान है। सबसे पहले सामान्य विधान, जिस तरह से हमें प्रारंभ से एक सहज रूप से करना चाहिए कुछ समय, उसके बाद फिर क्रम उसमें आगे बढ़ेंगे, वो क्या करेंगे उस तरह से वो हम देखें। अगर हम कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, तो इसमें मुश्किल से 3-4 मिनट का समय लगता है। शिववाच, देवी तुम भक्त सुलभे सर्विकारी विधायिनी, कलो ही सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम उपाय अम्रोही यत्नतः। देव्योवाच, शृणु देव प्रवक्षामि कलो सर्वे साधनम मया तवे स्नेहेना प्यम्बा स्तुति प्रकाशते। इसके बाद फिर आचमनि में जल लेकर के हम विनियोग करते हैं। विनियोग का अर्थ क्या होता है? विनियोग का सीधा सा अर्थ होता है विनियोजन, विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट। हम मातेश्वरी की उपासना करेंगे, 7 मंत्रों का जप करेंगे, इससे जो हमको प्राप्त होगा, जो ऊर्जा प्राप्त होगी, जो धन प्राप्त होगा, उसका इन्वेस्टमेंट काय में हो, वो काय में, वो खर्च काय में होना चाहिए। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोक स्त्रोत्र मंत्र श्री नारायण ऋषि अनुच्छुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यतम
श्री दुर्गा पाठे विनियोग, यह बोल करके वो जल छोड़ देंगे, पास में कटोरी में आत्मनि में जो हमने लिया वो छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट काय में, वो जो ऊर्जा, वो जो धन प्राप्त होगा उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए भगवती के महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों स्वरूपों की कृपा प्राप्त होने में। हम ये तीन सात मंत्रों का जप करेंगे, इनका पाठ करेंगे, स्त्रोत्र है तो इनका पाठ करेंगे सहस्त्र हल्के से बोल करके, और बोल करके जो ऊर्जा प्राप्त होगी, जो धन प्राप्त होगा उसके बदले में हमें क्या चाहिए, इसके बदले में हमें चाहिए भगवती दुर्गा की कृपा, जो क्या है वो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का सम्मिलित स्वरूप है। यह कामना, यह कामना करके फिर हम पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे। विद्युदाम सम प्रभाम मृगपति स्कंद स्थितम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विलदस्ता भिरा सेविताम हस्ते चक्र गदासी खेट विषि कांचा पंगुणम तर्जनी विभ्राणाम मनुलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे, नमन कर। फिर हम देखेंगे, मैं एक निवेदन, पुस्तकों में जो कुछ छपा है और मेरे बोलने में अंतर हो सकता है, होगा ही बहुत से जगह, कुछ कटा हुआ होगा कुछ जुड़ा होगा, यह मुझे जो कुछ गुरु कृपा से प्राप्त सामान्य रूप से पुस्तकों में नहीं मिलता वो मैं यहां पर बोल रहा हूं। अगर आपका विश्वास और श्रद्धा हो आप उसको स्वीकार करना चाहें इस रूप में करें, ना करना चाहें ना करें, लेकिन आप ये क्यों बोला और वो क्यों बोला, शास्त्रों में क्या प्रमाण है, ऐसा कोई प्रमाण मेरे लिए देना संभव नहीं होगा, ये निवेदन। तो जो सात मंत्र हैं औंग रिंग आपको बहुत सी पुस्तकों में नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं, सातों मंत्रों का आगे मैं औंग लगा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ओम नहीं बोल रहा हूं, औंग बोल रहा हूं। औंग रिंग ज्ञानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छत ओं दुर्गे स्मृतार्षी भीति मशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख वय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करना सुधार चित्ता ओं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वेशार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते ओं रोगान शेषान अभंशतुष्टा रुष्टात्कामान सकलान भेष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय शरतां प्रयान्ति ओं सर्वाबाधा प्रशमनं ते लोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम ह्रीं ओं नमः। ये बोलकर पाठ करके और नमन कर लेना चाहिए। आप देखें मैंने इनमें सातों मंत्रों के आगे ओंग लगाया है और बाद में भी फिर ओंग नमः लगाया, यह हमें करना चाहिए, यह मैं करता हूं, यह मुझे गुरु कृपा से प्राप्त है, आपसे मैंने निवेदन किया, आपकी श्रद्धा आपको भी आप इसी तरह स्वीकार कर सकते हैं, जैसा हमने कहा, जैसा कि मैंने निवेदन किया आपसे। भगवती की उपासना कृपा प्राप्ति उनके लिए सबसे पहले प्रारंभ में जरूरी होता है उनके पति को नमन करना, और बाद में फिर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए भैरव उपासना, बटुक भैरव के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। तो बटुक भैरव का जो ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बटुक भैरवाय नमो नमः, दोनों में से कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं, पांच सात बार इसको करें, नहीं तो फिर जो मंत्र है जैसे बटुक भैरव का ओम ह्रिंग बटुकाय आपत्त उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रिंग ओम नमो नमः, इसकी एक माला पांच बार सात बार इक्कीस बार ग्यारह बार, जैसे हमारी आस्था जैसी हमारी कामना जैसा हमारा संकल्प, ये करना चाहिए। तो प्रारंभ हमने किया किससे, हमने प्रारंभ किया भगवती की उपासना के क्रम में चालीसा से, चालीसा करने के बाद कुछ समय करें, मेरा आसन मैंने तो खैर लंबे समय तक किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कम से कम चालीस दिन अवश्य चालीसा का पाठ करना चाहिए, एक पार्ट तीन पार्ट पांच पार्ट सात पार्ट जैसा हमने नियम लिया। 40 दिन करने के बाद फिर 41वें दिन से फिर भगवती दुर्गा सप्तशती में से ये सप्तश्लोकी दुर्गा के इन सातों मंत्रों का पाठ हम नियम लें, एक पाठ से प्रारंभ करें और फिर नियमित हम तीन पांच सात कैसे ही बढ़ा सकते हैं, ये करने के बाद में फिर भगवान श्री बटुक भैरव को उनको श्रद्धा से ही स्मरण करके और बटुक भैरव के मंत्र का जब हमें एक बात स्मरण रखना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए,
मातेश्वरी भगवती किसी का कोई काम नहीं करती भाई, उन्हें करने की आवश्यकता भी नहीं, वो क्यों करेगी, वो तो परम शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है वो, उनकी कृपा होती है और जिन पर उनकी कृपा हो जाए उनके सारे कार्य जिसको कहते ना इम्प्लीमेंट करना वो करते हैं बटुक भैरव। इसीलिए हम देखते हैं ना दुर्गा मंदिर के सामने भैरव जी का चबूतरा अवश्य होता है। तो ये क्रम हम चाहे सप्त, हम चाहे चालीसा का पाठ करें, नवान मंत्र का जप करें, किसी भी श्रावण मंत्र का जप करें, कुछ भी करें, बाद में बटुक भैरव की उपासना शक्ति उपासना में बहुत जरूरी है। तो हम प्रारंभ हमने चालीसा से किया है, उसके बाद फिर हम नियम हमने सप्त शती के जो पाठ का क्रम क्या क्या होते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम सात जो मंत्र हैं ये सप्त श्लोकी दुर्गा इसके पाठ का नियम बनाए और इसको भी कम से कम 40 दिन अवश्य करना चाहिए। साधना का क्षेत्र बहुत धैर्य का क्षेत्र है, व्यक्ति चाहता है रातों रात, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहां पर जब साधना के ऋषि मुनियों की पढ़ते हैं कथाएं तो क्या आती है उनमें, सैकड़ों हजारों वर्षों की साधना का जिक्र मिलता है। क्या है वो सैकड़ों हजारों वर्ष की साधना का क्रम, जरूरी नहीं है कि वो हजारों वर्ष जीवित रहे हों, लेकिन उसका एक रहस्य अलग ही है। एक लंबे समय तक साधना बिल्कुल श्रद्धा के साथ करने का, रातों रात जो चाहते हैं, अब ये आम व्यक्ति का कसूर भी नहीं, इस मीडिया में सोशल मीडिया में क्या तो व्हाट्सएप और क्या इधर, जिस तरह के चमत्कार टोटकों का जो चलन हुआ, उन्होंने व्यक्तियों का साधना के प्रति जो एक साथ धैर्य की बात थी वो समाप्त ही कर दी। हर व्यक्ति चाहता है कि बस मैं रात के 12 बजे कुछ करके आऊं और मुझे सवेरे तक प्रमाण उसका परिणाम मिल जाए, असंभव। हो सकता भगवती की कृपा कुछ भी असंभव उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं। जब नहीं होता है तो निराशा बढ़ती, फिर क्या कहते हैं, कमेंट करते हैं, हमने सब कुछ करके देख लिया कुछ नहीं होता। अरे क्या करके देख लिया भाई, कुछ कुछ टोटके ही तो आजमाए हैं आपने और किया क्या है। लेकिन साधना का एक क्रम है, नियमबद्ध रूप से साधना करें और चाहे वो फिर किसी भी देवता की करें, हम भगवती की उपासना करें, भगवान शिव की करें, हनुमान जी की करें, राधा जी की करें, कृष्ण की करें, राम की करें, किसी की भी करें, सभी की साधनाओं का एक क्रम होता है, एक विशेष विधान होता है, उससे चलें। ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो, लेकिन विधान से तो हमें चलना पड़ेगा। सामान्य रूप से रसों में भोजन बनाने का जो एक साधन वो विधान है उसका भी एक सिस्टम होता है, सब्जी बनाने का, रोटी बनाने का, उसका भी एक विधान है, उसमें भी समय लगता है, उसका भी एक सिस्टम है, तब जा करके एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनता है। ये जो रेडीमेड आजकल हॉट डॉग और पता नहीं क्या क्या, उनके खाने से क्या हो रहा है, इतने डॉक्टर सब कुछ बता रहे हैं, वो भी हमारे सामने है, वो स्वास्थ्य को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा उससे। ये भी कहीं पर भी किसी भी चीज को आप लागू कर लीजिए, बात तो एक ही है, अगर हमें परिणाम चाहिए, सुपरिणाम चाहिए, तो उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए और परिश्रम करने की भावना भी होनी चाहिए, बिना किसी प्रकार का मन में लेश मात्र भी कोई भाव लाए, हमें श्रद्धा के साथ हम परिश्रम करेंगे। तो चाहे किसी भी क्षेत्र में करें, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में करें, चाहे भौतिक जगत में नौकरी में करें, चाहे व्यापार में करें, धैर्य और श्रद्धा के साथ किया हुआ परिश्रम सुपरिणाम देता ही देता है, ये हमेशा हमेशा हमको हमेशा सदैव याद रखना चाहिए। तो हमने प्रारंभ किया 40 से, अब हम दूसरे स्तर पर जाएं। हमें पता है, मैंने निवेदन किया, हम आगे उस पर जाएंगे, पहले हम ये सप्त श्लोक की सात श्लोक सॉरी इनके इन सात श्लोकों के कई प्रयोग है, इन सातों मंत्रों के अलग अलग प्रभाव हैं, इससे छोटे ये एक तरह से लघु छोटा सा स्वरूप है, यही बहुत कुछ कर सकता है, इसको चैतन्य जागृत कर लें। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसी के ऊपर कि इसमें क्या जोड़ करके किस तरह संपुट लेकर के केवल इन सात श्लोकों के, ये सप्त श्लोकी जो सप्त सात मंत्र हैं, इनका किस तरह से प्रभाव करके हम हमारे जीवन में जैसा हम चाहते हैं वैसा हम सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं, चर्चा करेंगे इससे अगले वीडियो में। भगवती माते श्री दुर्गा माँ
महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती तीनों स्वरूपों में आप सब पर कृपा करें। भगवान भट्टो भैरव आप सबके कार्यों को सिद्ध करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।